आपको मम्मा के लिए शॉपिंग करके कैसा लगा? हमको दिल से सुकून मिला बहुत। ये लिए भाई ड्रेस, बस भाई यहाँ पे अपने लिए लिए, अभी कपड़े अब ले रहे हैं घर के लिए, कर्टन जो विंडो और डोर पे लगेंगे। पहुँचा है भाई विक्रम चौक, ये देखो अब करना है हमेशा औरों का वेट। देखो यहाँ पे गौरवबाजी का करना काम काज फिर ध्यान से देखिए इस इंसान को। बोलो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, क्या बोलोगे? तो भाई कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो भाई बज रहे सुबह के 10 और हम अभी उठे 9:30 बजे, क्योंकि रात को हम 3 बजे पहुंचे थे यहाँ भाई के पास ही, और उठे हम फ्रेश फ्रुश हो लिया, बाथरूम वगैरह हुआ, ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ पे, ब्रेकफास्ट सुबह सुबह दही के साथ, फिर जाएंगे रूम में, थोड़ी रूम में करेंगे थोड़ी देर आराम, फिर देखते हैं उसके बाद क्या प्लान बनता है। आ रहे हैं यहाँ पे आलू वाले परौंठे, दही, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी ब्रेकफास्ट अपनी होगी, बस अब यहाँ से निकलते हैं रूम के लिए। गाड़ी पे जाना तो बस का टायर पंचर अभी कर रहे हैं, टायर चेंज गौरव भाई और भाई उस तरफ रोड ही आ गया, सिदरा मार्केट, सिदरा विलेज, बस निकलते हैं अभी, फिर जाते हैं रूम में, थोड़ा साफ सफाई करेंगे रूम की, फिर देखते हैं निकलते हैं तो चलेंगे सिस्टर के पास और घर भी जाना है। आगे भाई वहाँ से अब जा रहे हैं नरवाल की तरफ, रूम की तरफ, पहले थोड़ी देर करेंगे आराम। मिनी ताहिर भी आ गया हमारे साथ, घर पहुँचा तो नहीं? नहीं आज पहुँच गया घर, शक्कर देखी। कितने साल के बाद? कितने साल के बाद? 16 साल के बाद घर पहुंचा, 16 साल में कानवाई में था, जम्मू कानवाई में। हम शहर जा रहे हैं ना, हम सीधा ऊपर से बाहर निकलेंगे, मतलब जहाँ से हम आए थे वहाँ से नहीं आ रहे। ये सिदरा मेन यही है ना, सिदरा ही गलियों में घूम रहे हैं भाई। जम्मू में अपने अपने यहाँ से आप रह रहे हैं, वहाँ पे अपना डीजल और पेट्रोल का रेट बताएं। यहाँ पे जम्मू में अपना डीजल जो है वो 90 रुपये और जो पेट्रोल है भाई वो है 106 रुपये। यहाँ पे आप रहते हैं अपना वहाँ का बताएं, वहाँ पे डीजल और पेट्रोल का क्या रेट चल रहा है इस टाइम? आई थिंक सबसे सस्ता हिमाचल में और उससे महंगा J&K में ही है, और राजस्थान इस एरिया में बहुत ज़्यादा महंगा भाई। सो कमेंट जल्दी करें और बताएं, और आज क्या करना काम काज फिर? झाड़ू लगाना है, पोछे मारने, कपड़े धोने। नहीं वो तूने करना है प्रवाह जल्दी जल्दी, उसके बाद चलते हैं कहीं ना कहीं घूमने। आगे भाई बठिंडी चौक में पहुंच गए, वो ट्रक वाले भाई भी जा रहे हैं। भाई साहब हम थोड़ी रेस्ट पे हैं अभी ट्रक से, अभी चलते हैं भाई ऊपर रूम की तरफ, थोड़ी देर रूम में बैठेंगे फिर देखते हैं। आज संडे भी है ना, और मेरी कज़न सिस्टर उसको फ़ोन करते हैं, अगर वो फ्री हुई तो चलते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, संडे में यहाँ पर सेल लगती है कपड़ों की ना। आगे भाई जम्मू में बठिंडी जो रास्ता जाता है आज बिल्कुल सुनसान है, तो रश नहीं पता नहीं क्यों। और भाई कश्मीर और यहाँ पे काफ़ी फ़र्क है यार, अभी 11 बज रहे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। पता क्लियर क्यों है? गर्मी आ गई है ना, सब चले गए। हाँ ये बात है, जो कश्मीर के भाई लोग यहाँ पे ऐसे रह रहे थे ना वो चले गए कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे गर्मी आ गई है तो रश बहुत ज़्यादा कम हो गया यहाँ पे। ऐसी सड़कों चलते हैं रूम में अभी, पहले फ्रेश हो लेते हैं यार, क्योंकि सुबह मुँह धोया था, नहा धो के एक बार फ्रेश हो लें अच्छे से ना। तो भाई मतलब ना घर की फीलिंग है, घर की होती है अभी पहुंच के रूम में, पर रूम की हालत काफ़ी ख़राब। और जम्मू में आज ना सुबह से लाइट नहीं है, संडे जाना तो फिर लाइट काट रहती है, कहीं जगह काम चल रहा होता है, वायर वगैरह नहीं पड़ रही होती हैं, तो लाइट यहाँ पे है बंद। और यहाँ पे अपने रूम में देखो फैन भी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा और लाइट नहीं है। जो नीचे हैं सुनील भैया का घर है यहाँ पे, जो मकान मालिक है उनके घर में लगाया हमने फ़ोन चार्ज इन्वेटर में, अपने गैजेट्स नहीं लगाया। ओ या इन्वेटर भी डेड हो गया, कोई चक्कर नहीं, बैठते हैं थोड़ी देर। तो भाई नहाना धोना हो गया, नहा धो के बैठे और रूम की साफ़ सफाई भी होगी, बस अब सिस्टर को किया कॉल, वो भी मतलब अपना काम ख़त्म कर लें। तो कपड़े कुछ थे, एक ही कपड़े भाई पहनने को, वो धो के सुखाने को डालें, जैसे कपड़े सूखते हैं सब में 1-1.5 बजे जाएंगे यहाँ से परेड, क्योंकि संडे है यहाँ पे, संडे मार्केट लगती है, तो संडे मार्केट जाते हैं, क्योंकि पापा के लिए भी कपड़े लेने हैं तो दूसरे भाई के लिए भी लेने हैं, क्योंकि घर जाएंगे शायद आजकल तो फिर अकेले खाली हाथ देना अच्छा नहीं लगता, तो पापा के लिए भी ट्राउज़र वगैरह टी शर्ट्स वगैरह देखते हैं घर में पहनने के लिए, वो ले लेंगे, कुछ मम्मा के लिए भी ले लेंगे, दादी के लिए कुछ ना कुछ लेंगे, फिर देखेंगे या इधर ही आएंगे या सिस्टर के पास लेंगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने सामान मंगवाया, शूज़ मंगवाए थे और शर्ट्स मंगवाई थी ऑनलाइन, वो उन्हीं के घर में पड़ी हैं। 2000 years later सो गाइस बज रहे हैं अभी शाम के 3 और 1-2 घंटे सोए, अपनी नींद भी पूरी होगी, रेस्ट भी होगी, तो अभी रेडी हो गए कपड़े पहन के, क्योंकि कपड़े धोए थे सुखाने को डाले थे, अभी जाएंगे यहाँ से मार्केट, जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे लगती है एक संडे मार्केट, तो पापा के लिए कपड़े लेने, क्योंकि यार पेरेंट्स हमेशा होता है ना यार हमारे लिए लेते हैं, आप खुद के लिए कभी लेते ही नहीं है,
तो चलते हैं यहाँ से बाहर। आज यहाँ पे आई थिंक कोई रैली वगैरह है ना, तो गाड़ियाँ बहुत कम है। देखो रोड पूरी खाली, यहाँ पे कोई ट्रक भी नहीं है। अब धूप पे वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर मेटाडोर का आई है वहाँ से शायद। अब यहाँ से हम आए वहाँ से आई है। आगे भाई मेटाडोर में जा रहे हैं उधर सिटी की तरफ। ये आ गया नरवाल बाईपास, पहुँच आए भाई विक्रम चौक। ये देखो अब करना है हमेशा का वेट। देखो यहाँ पे इंडिया के फ्लैग कितने सही लग रहे हैं, तो बस अब करेंगे वेट, उसके बाद निकलते हैं आगे। मतलब आगे वाली एक गाड़ी और पकड़नी पड़ेगी जिसमें मुझे जाना है परेड था। यहाँ मार्केट है, यहाँ पे संडे मार्केट लगती है, संडे की सेल लगती है वहाँ पे। यहाँ पे करते हैं स्टॉप है वेट। अब ये आ गई भाई जो जम्मू के ऊपर से फ्लाई ओवर है, पर दिन को यहाँ पे भी नो एंट्री रहती है ट्रकों के लिए, यहाँ तो रहती रहती है यहाँ पे भी। तो यहाँ से आप जा सकते हो, पर आज कुछ समझ नहीं आ रही यार, कुछ है यहाँ पे ना इंडिया के फ्लैग हैं हर जगह पे। तो भाई पहुँच आए मार्केट पे, अभी यहाँ पे घूम रहे हैं यार, क्योंकि शॉपिंग करना सबसे मुश्किल चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़, क्योंकि चीज़ पसंद करो वो भी मतलब घर के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, पर मुझे अपने पापा और मम्मा के लिए लेना है सिर्फ। तभी मेरी सिस्टर साथ आई है ना, क्योंकि मम्मा ने अगर ड्रेस लेने तो वो फिर सिस्टर अच्छे से पसंद कर पाएंगे, क्योंकि लेडीज़ को लेना है तो लेडीज़ अच्छे से पसंद कर पाएंगे ना। बाकी लोगों का रिएक्शन तो आपको आ रहा है हाउ टू ब्लॉग इन पब्लिक, हम ये कॉन्सेप्ट भी बना सकते थे यहाँ पे। भाई शर्ट अभी एक ही चीज पसंद है, अभी खुद के लिए एक शर्ट लिए, गौरव भी है, पापा है, भाई मम्मा सबके लेना है। आज शाम यही होने वाली है। तो भाई यहाँ पे अपने लिए लिए अभी कपड़े, अब ले रहे हैं घर के लिए कर्टन जो विंडो और डोर पे लगेंगे। अगर हम बोलेंगे घर वाले लेंगे ही नहीं, मतलब फिर टाइम लगता है, खुद चलो हम ले जाएंगे, घर वालों के लिए सरप्राइज एक, तो वही कर रहे हैं अभी पसंद। पर सरप्राइज तेरे लिए भी है, गौरव के लिए भी, क्योंकि सारा सामान तेरे को उठा के ले जाना पड़ेगा। ये सरप्राइज तो ये बता के सरप्राइज दिया ना। बीए कर दिए पसंद ये और जे, अभी देखते हैं इसके बाद और भी लेंगे। भैया घर से आए थे खुद के लिए लेने के लिए, मतलब अपनी प्लानिंग करने के लिए खुद लेंगे कुछ ना कुछ, पर चलो ठीक है घर के लिए चीज़ बनेगी। मतलब अपने घर में ना विंडो और डोर पे कर्टन नहीं थे, अब वो भी आ गए, अब कोई टेंशन नहीं आ रहा। फैमिली खुश, अब लेना मम्मा के लिए एक ड्रेस, पापा के लिए कोई शर्ट्स, दादी के लिए भी लेना कुछ ना कुछ सामान। भाई अभी लिए कपड़े भी आगे जा रहे थे तो सर ने बुलाया, पहचाना, और सर कैसे हो, क्योंकि इनकी दुकान ऊपर भी थी ना तो उन्होंने पहचाना। मेरे को वैसे भी कंडीशनर लेने थे थोड़े, तो भैया भी हैं कब से वेट कर रहे थे, क्योंकि इनकी दुकान पर मैं ऊपर मिला ना उनसे ना, उन्होंने आपको कॉल किया ना। कोई नहीं, हम बैठते हैं थोड़ी देर फिर जाएंगे, क्योंकि अब 4-5 बज गए हैं, तो पीते हैं कोल्ड ड्रिंक और सामान ले लिया, फिर निकलते हैं रूम के लिए। सबसे मुश्किल होता है भाई लेडीज़ के लिए शॉपिंग करना, तभी सिस्टर को साथ लाया, मम्मा का एक ड्रेस हमने पसंद कर लिया है, एक और कर रहे हैं यहाँ पे चल रही है अभी, करते हैं फिर निकलते हैं। बस अब यही लास्ट लेना ड्रेस मम्मा के लिए, पापा के लिए नेक्स्ट ट्रिप है, जब घर जाएंगे घर से बाइक लेके आएंगे फिर। ले लिए भाई ड्रेस, बस अब आधा सामान लेके हमने वो अंकल जी की दुकान पे रखा है जिन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी, क्योंकि उनको पहचानते हैं ना, क्योंकि सामान लेके कहाँ घूमते हो, कॉटन काफ़ी बाहर रहे हैं। आ गया भाई जम्मू तवी ब्रिज। 2000 years later. आपको मम्मा के लिए शॉपिंग करके कैसा लगा? हमको दिल से सुकून मिला बहुत, ये देखो इतनी शॉपिंग। तो भाई क्योंकि ना आज मदर्स डे है, तो सिस्टर ने अपने मम्मा के लिए ड्रेस साइड से ना गाड़ी आ रही है, तो मैंने भी, क्योंकि यार मदर्स डे मतलब ऐसा रहता है ना, जो पार्टनर होते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनके लिए वैलेंटाइन डे, कभी बर्थडे आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो मतलब ले सकते हैं। सो फैमिली के लिए भी लेना चाहिए, पेरेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए। अभी सब हमको यहाँ पे घूर घूर के देखने, कोई दिक्कत नहीं, बस हम आगे सतवारी चौक पे यहाँ से गाड़ी फिर कर रही है चेंज, तो बस जाएंगे रूम में, वहाँ से एक पार्क है वहाँ चलते हैं। आगे भाई शॉपिंग करके पहुँचने वाले हैं। इन गलियों में तो भाई एक साल अपन ने काम किया, या मैं पढ़ता था यहाँ पर, आपको पता तो है। तो भाई काफ़ी खुशी मिली आज, क्योंकि आज मदर्स डे था, तो मम्मा के लिए सामान लिया, मम्मा के लिए ड्रेस लिया, और मम्मा कब से कह रहे थे ना विंडो और उसमें डोर पे कर्टन्स लगाने, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, आज वो भी ले लिए। आप पैसे कमा रहे हैं फैमिली के लिए, तो फैमिली में खुशियाँ मतलब ना खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ें मिल सकती हैं, मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बड़ा लो तो ही खुशियाँ मिलेंगी, खुशियाँ बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ भी आप ले सकते हैं। पीछे गए गौरव भाई और आइसक्रीम लेने के लिए, गौरव और आइसक्रीम खाने मिला, आइसक्रीम खा लो बस निकलेंगे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे ना मतलब रिलेशन में होते हैं लड़का लड़की या कोई भी अपने पार्टनर के लिए, वो बर्थडे वैलेंटाइन डे हर मतलब कुछ भी तब लेते हैं वो सामान, शॉपिंग करते हैं, पर पेरेंट्स के लिए लो एक बार, तो वो जो खुशी है ना वो आपको एक अलग लेवल की खुशी मिलेगी। 2000 years later.
तो भाई अभी वहाँ पे बैठे रूम में भी बज रहे हैं शाम के साथ, और हम जा रहे हैं यहाँ पे पास में एक पार्क है, पार्क में काफ़ी बड़ी पार्क है मतलब इस एरिया की ना। गौरव कभी गया नहीं इस जगह, मैं बहुत पहले गया था जब मैं वर्किंग में थी, जब मैं यहाँ पे ना स्टडी करता था, जब रहता ही था जहाँ से तो काफ़ी मस्त दिख रही है वो पार वाली साइड है, उस लोकेशन में मस्त लोकेशन, पानी चल रहा है साउंड के साथ म्यूज़िक के साथ, तो चलते हैं वहाँ पे वहाँ जगह देखते हैं। पहुँच चुके पार्क में, अभी बाहर ही चलते, तो भैया को पता नहीं क्या यार फ़ोन में लगा हुआ है, किसी से बातें कर करके आगे आगे दौड़ रहे, दौड़ रहे बस आगे आगे चल रहे। अभी कर चुके अंदर एंटर, भैया जी जा रहे आगे आगे। हेलो आगे भाई पार्क में, देखो फूल यहाँ पे वहाँ में म्यूजिक चल रहा है, आगे कॉपीराइट भी आ सकता है, तो देखेंगे अब कैसा सॉन्ग है। तो अभी थोड़ी देर में लाइटें ऑन हो जाएंगी और मस्त पार्क है यार, काफ़ी सही है देखो यार। तो भाई यही यहाँ पे मस्त व्यू है यार, बहुत ही मस्त है यार, वहाँ पार्क किसी के शादी का फोटो शूट चल रहा है। बताना गाइस आपको कैसा लगा यहाँ का व्यू, आप भी कॉप ट्यून्स कर रहे हैं तभी शूट कर पा रहे हैं, और यहाँ पे देशभक्ति के सॉन्ग चलते हैं। तो गाइस काफ़ी टाइम हो गया, 8 बजने वाले हैं और अंधेरा पड़ने वाला, और यहाँ से हमें ना 1 किलोमीटर चल के जाना भी वापस से ना, तो थोड़ा वो खाली सा रास्ता, हमें कुत्ते वगैरह भी होंगे तो रिक्स नहीं लेना उतना, चलेंगे रूम में। यहाँ पे आए थे, यहाँ पे देखो फूल ही फूल, नए जो गमले में फूल उगाए जा रहे हैं, ये देखो भाई कितने फूल, और वहाँ पे झूले हैं बच्चों के लिए। बाकी उस तरफ आ गई मेन जो पानी का सिस्टम है, और हमें उस तरफ जाना है, अपना गाँव उस तरफ है। बस मतलब ना इंसान को थोड़ा टाइम अपने लिए भी देना चाहिए, मतलब अपने लिए क्योंकि काम पूरी जिंदगी कर रहे हैं, तो सो अपने लिए एंजॉय करो मस्त। आज हम एंजॉय कर रहे हैं, आज कोई टाइम काम की टेंशन नहीं है, कोई कुछ टेंशन नहीं है, ना गाड़ी लोड की टेंशन, ना गाड़ी खाली करेंगे, मतलब ब्लॉग बनाना है, एडिट करना है, तो अपलोड करना है। तो सो मैं यही कहता हूँ सबसे यार, मतलब पैसा चाहे कमाओ जितना भी कमाओ, पर पेरेंट्स के लिए भी टाइम निकालो और थोड़ा टाइम खुद के लिए भी निकालो। तो आज मैंने तो खुद के लिए टाइम निकाला, कल तो घर जाएंगे, फिर पता घर में छोटा मोटा काम है, घर वालों ने जो सरप्राइज़ लिया, घर वाले इतने खुश होने वाले ना, क्योंकि आई थिंक मदर्स डे में नहीं, ऐसे मैंने अपने पेरेंट्स के लिए इतना मतलब मम्मा के लिए ड्रेस ली, पापा को फ़ोन वगैरह लेके दिया, मतलब एक लेडीज का सामान लेना हुआ फर्स्ट टाइम। अच्छा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, छोटे बच्चों वाली हरकतें हो रही हैं, कभी कभी नहीं हर पल इंजॉय करना चाहिए, हर पल ऐसे जियो, हर पल कैसे जीना चाहिए, ऐसे ही जीना चाहिए मस्त। नहीं नहीं डायलॉग था, हर पल ऐसे जियो, जिंदगी का आखिरी दिन हो बोलो, और कुछ बस सर दी एंड। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, यहाँ पे पार्क में मस्त एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा वाटर विद लाइटिंग के साथ, यहाँ पे गाने लगे हुए हैं, यहाँ पे आप मस्त घूम रहे, मतलब मैं बहुत कम पार्क में आया यार, आना चाहिए मुझे, को सुकून मिलता है एक अलग। यहाँ पे भैया और सिस्टर जा रहे हैं आगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है अभी। तो गाइस जा रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बना है भाई 6.52 करोड़ से, काफ़ी महंगा बना भाई ये। यहाँ पे चल रहा है गौरव भाई भी वीडियो बना रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं, ये आ गया मैन यहाँ से बाहर। 2000 years later. बोलो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हमने वहां पे चीजी भी खाई।
आगे भाई घर पे बन रहा खाना, खाना खाएंगे। ये लड़की कुछ कहना चाहती है। लड़की बोल, बोलोगे आप क्या क्या कहाँ छुप रहे हो? ओ चुआ चुए, मैं नहीं वाली सर में। ये लड़की ना अपनी मम्मा को अचार देती है मदर्स डे पे। मैंने तो आइसक्रीम दिया, अचार दिया आपने? लगी नहीं, हेलो। एक्सक्यूज मी, ध्यान से देखिए इस इंसान को, ध्यान से देखिए इस इंसान को, ध्यान से देखिए इस इंसान को। सब देखने देखो, तो कर पंगे। देखो मेरा हाथ तोड़ गई लड़की, अब मेरा हाथ ऐसे हो गया टेढ़ा, इसने किया। हाथ तोड़ दिया, कर पंगे, कर कर। अच्छी है, काम भी करती है साथ साथ में। अभी टाइम हो चुका है 12:23, यानी कि 12:30 बजने वाले ही। तो अभी अभी मेरी जस्ट एडिटिंग हो चुकी है ख़त्म, क्योंकि आज फ्री थे इसलिए जल्दी हो चुकी है। तो यहाँ पे अनुज भाई सो गए और सिस्टर भी सभी सो गए, मैं अकेला एडिटिंग कर रहा था और एडिटिंग हो चुकी है ख़त्म। इसी के साथ यहाँ पे और यहाँ पे एक मस्त वीडियो आपको दिखाई दे रही होगी, तो ज़रूर जाके वॉच करना। और मेरी तरफ से एक प्यारी सी गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं कल शाम 7 बजे। और ये वाली वीडियो ज़रूर ज़रूर वॉच करना। बाय बाय।